तो माय नेम इज शिवम और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शज़ाम द फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देख पाते हैं कि दो एंसेंट वॉरियर म्यूजियम में रखी शज़ाम की छड़ी की ओर बढ़ते हैं और केयरटेकर के मना करने पर भी वो छड़ी को जबरदस्ती हथिया लेते हैं। दरअसल वो दोनों वॉरियर एटलास की बेटियां थी जो कि एक ग्रीक गॉड थे जिनमें से एक का नाम कैलिप्सो और दूसरी का हेस्पेरा था। कैलिप्सो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके म्यूजियम में सभी लोगों को कंट्रोल कर लेती है और वहीं उसकी एल्डर बहन जादू की छड़ी का इस्तेमाल करके सबको मिट्टी का बना देती है। इसके बाद कैलिप्सो अपनी बड़ी बहन से इस दुनिया पर राज करने को कहती है। इस पर हेस्पेरा उसे छड़ी के जुड़ने तक वेट करने के लिए कहती है और वो कैलिप्सो को ये भी बताती है कि उन्हें इस दुनिया में थोड़ा होशियार रहना होगा क्योंकि जादूगर ने कोई शक्तिशाली और बुद्धिमान वॉरियर जरूर चुना होगा जो आगे उनके लिए अड़चन बनेगा। फिर हमें वो बुद्धिमान और शक्तिशाली वॉरियर दिखाया जाता है बिली द शज़ाम जो कि अपने इस हीरो बनने से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था बल्कि वो तो साइकेट्रिक्स से अपना इलाज करवा रहा था। वो साइकेट्रिक्स से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि उसे आतंकवादियों से बच्चों को बचाना है और फिर हम बिली को उसके घर में देख पाते हैं जो बच्चों को आतंकवादियों से बचा रहा था पर वीडियो गेम में। इसके बाद अचानक ही फ्रेडी घर से बाहर जाने लगता है पर बिली जबरदस्ती उसके फोन से पता लगा लेता है कि फ्रेडी शहर में टूट रहे एक ब्रिज को बचाने जा रहा था और फ्रेडी के ना चाहते हुए भी बिली पूरी शज़ाम फैमिली को इस काम में शामिल कर लेता है। वो सभी ब्रिज के पूरी तरह टूटने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से जिंदा बचा लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग इन्हें नेगेटिव वे में लेते हैं क्योंकि ब्रिज टूट गया था जो बात मीडिया को राज नहीं आ रही थी। इसके बाद हम सभी इन्हें शज़ाम की केव में देख पाते हैं जो पूरी तरह से इनका खुफिया अड्डा बन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि बिली यूजीन को ढूंढ रहा है जो कि जादुई गेटों में फेंकता हुआ बाहर आता है। इसके बाद बिली सबको प्रेजेंटेशन देने लगता है पर कोई भी उसकी प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। सब लोग वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं पर मेरी जाने से पहले शज़ाम को बताती है कि सुपर हीरो और रियल लाइफ दोनों अलग चीजें हैं और उसे अपनी असल जिंदगी पर भी गौर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में एटलास की बेटियों को दिखाया जाता है जिन्होंने जादूगर को बंदी बनाकर रखा था। इसका मतलब जादूगर अभी भी जिंदा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शज़ाम की गलती की वजह से ही एटलास की बेटियां अर्थ पर आ पाई हैं। दोनों बहनें अपने जादू का उपयोग करके शज़ाम की छड़ी को जबरदस्ती जादूगर से जुड़वा लेती हैं। शज़ाम की छड़ी पूरी तरह से दोनों बहनों के हाथ में आने से पहले ही वो जादूगर उस छड़ी का छोटा सा हिस्सा निकाल लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम फ्रेडी को स्कूल में देख पाते हैं जो अभी अभी स्कूल में आई एक नई लड़की की मदद करने लगता है। उस लड़की का नाम एंथिया था। एंथिया फ्रेडी के फनी लुक से काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं गुफा में कैद वो जादूगर छड़ी के टूटे हुए हिस्से से शज़ाम को मैसेज भेज देता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बिली द शज़ाम वंडर वूमन के साथ डेट पर आया है। वो वंडर वूमन को किस करने वाला था कि तभी वंडर वूमन के चेहरे पर जादूगर का चेहरा आ जाता है। वो बिली से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अर्थ और दूसरी दुनिया के बीच की मैजिकल वॉल को तोड़ दिया है जिसकी वजह से एटलस की बेटियां यहाँ आ पाई हैं और उसे उनके लिए तैयार रहना चाहिए। और तभी बिल्ली की आँख खुल जाती है और हम सब समझ पाते हैं कि ये सब एक बिल्ली का सपना था। अगले ही दिन बिल्ली गुफा के अंदर एक स्पेशल मीटिंग रखता है जिसमें वो जादूगर और अपने सपने के बारे में सभी को बताता है। बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे इसलिए वो अपने फ्रेंड से मदद मांगता है। पेड्रो उन सभी को गुफा के अंदर बने एक स्टैचू के सामने ले जाता है। पेड्रो स्टैचू के ऊपर बने एक बटन को प्रेस करता है जिससे वो सभी वहाँ एक सीक्रेट लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। वो लाइब्रेरी पूरी तरह से जादुई थी। वहीं एक जादुई पेन था जिसका नाम पेड्रो ने स्टीव रखा था। वो मैजिकल पेन इन्हें 5 किताबों के नाम लिखकर देता है जिसमें एटलास की पूरी हिस्ट्री लिखी थी। वहीं दूसरी ओर फ्रेडी एंथिया के साथ स्कूल के रूप पर बातें कर रहा था और एंथिया को इम्प्रेस करने के लिए वो वहाँ अपने सुपर हीरो अवतार में आता है और भर भर के फ्रेडी की तारीफें करने लगता है जो कि उसका इंसानी रूप है। गुफा के अंदर सभी को पता चलता है कि एटलास की बेटियाँ देवलोक से आई हैं जिसे कई देवताओं ने मिलकर एक गोले में बंद कर दिया था और बिल्ली की नासमझी की वजह से वो गोला टूटा जिससे एटलास की बेटियां अर्थ पर आ पाई। इन्हें लाइब्रेरी की किताबों से एक बात और पता चलती है कि एटलास की 2 नहीं 3 बेटियां थी जिसमें तीसरी बेटी का नाम एंथिया था। यानी एटलास की तीसरी बेटी और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी की न्यू फ्रेंड ही है। वहीं स्कूल रूप पर एटलास की दोनों बेटियां फ्रेडी पर हमला कर देती हैं। इस हमले में फ्रेडी अपनी सारी सुपर पावर्स खो देता है। इसी दौरान फ्रेडी के टीचर वहां आ जाते हैं जिन्हें कैलिप्सो मैनिपुलेट कर सुसाइड करवा देती है।
फ्रेडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एंथिया अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। एंथिया की पावर है कि वो किसी भी लोकेशन को बदल सकती है। एंथिया ने फ्रेडी को रोक तो दिया था, पर उसे ऐसा करते वक्त बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फ्रेडी को अपना एक फ्रेंड मानती थी। एस्पेरा फ्रेडी से उनका ठिकाना पूछ ही रही होती है कि तभी बिल्ली वहाँ आ जाता है। एंथिया बिल्ली को रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से बिल्ली एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। एस्पेरा बिल्ली को हॉस्टेज बनाकर वहाँ से उड़ जाती है और वो अपने जादू की मदद से शहर के चारों ओर एक कवच बना देती है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। बिल्ली फ्रेडी को बचाने के लिए उस कवच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। समय बीतता है और ये बात मीडिया में भी फैल जाती है कि शहर के चारों ओर एक अदृश्य दीवार है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सीन बदलता है और हम फ्रेडी को कैद खाने में देख पाते हैं। उसी कैद खाने में जादूगर भी होता है, जिसे देखकर फ्रेडी समझ जाता है ये वही है जिसने बिल्ली को सजाम के पावर दिए थे। इसके बाद फ्रेडी जादूगर से इतने सवाल पूछता है कि जादूगर का दिमाग चकरा जाता है। इसके बाद हम बिल्ली और उसके फ्रेंड्स को गुफा में देख पाते हैं। बिल्ली अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद एक फैसला करता है कि वो एटलास की बेटियों को एक वार्निंग भरा खत भेजेगा। वो उस खत को मैजिकल पेन की मदद से लिखवाता है। वो खत पंछी के रूप में एस्पेरा तक पहुँच जाता है। जब एस्पेरा वो खत पढ़ती है तो उसको धमकी के साथ साथ बचकानी हरकतें भी पढ़ने को मिलती हैं। गुस्से में आकर कैलिप्सो फ्रेडी और जादूगर को एक खाई में फेंकवा देती है। गुफा में गिरते ही एक लेडिन नामक मैथिकल ड्रैगन इनकी ओर हार्म करने के इरादे से बढ़ने लगता है। वो ड्रैगन इन पर अटैक करने ही वाला था कि इतने मेहनती अपनी पावर्स की मदद से इन्हें वहाँ से बचा लेती है और फौरन उस जगह से भागने को कहती है। वो फ्रेडी को ये भी बताती है कि दरअसल उसकी दोनों बहनें एक जादुई बीज की तलाश में हैं। इस पर जादूगर कहता है कि वो बीज सुरक्षित रूप से छुपाया गया है। वहीं दूसरी ओर बिल्ली खत में दी हुई जगह पर एस्पेरा का इंतजार कर रहा था। बिल्ली एस्पेरा से सुलह करने के लिए कहता है, जिस पर एस्पेरा उसे मना कर देती है। बातों ही बातों में बिल्ली अपनी पूरी टीम को वहाँ बुला लेता है और एस्पेरा को रिवील करता है कि उसका प्लान सुलह करना नहीं बल्कि उन्हें खत्म करना था। ये सुनकर एस्पेरा जरा भी नहीं चौंकती, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। इतने में वहाँ कैलिप्सो आ जाती है, जो पेड्रो पर छड़ी से हमला कर उसकी शक्तियाँ छीन लेती है। फिर एस्पेरा और बचे हुए सुपर हीरोज के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें शुरू में तो एस्पेरा इन पर भारी पड़ती है, लेकिन बाद में ये किसी तरह उसे हरा देते हैं। वो सभी एस्पेरा को उठाकर ले ही जा रहे होते हैं कि तभी कैलिप्सो उनका पीछा करने लगती है। वो उन्हें पकड़ती कि इससे पहले वो टॉयलेट बूट की मदद से गुफा में चले जाते हैं। गुफा में आते ही बिल्ली एस्पेरा को एक जेल में बंद कर देता है, लेकिन एक बार फिर बिल्ली की नासमझी की वजह से एस्पेरा जेल तोड़कर भाग जाती है। वो गुफा में मौजूद जादुई गेटों की मदद से भाग पाती है। वो भागने से पहले लाइब्रेरी से एक सेब चोरी कर लेती है, जो कोई मामूली सेब नहीं था बल्कि सुनहरा सेब था, जिसकी मदद से ये दुनिया पर कब्जा करने वाली थी। थ्रोन रूम में तीनों बहनें बहस में लग जाती हैं कि उन्हें अपने प्लान को अंजाम देना चाहिए या नहीं। इस बात का फायदा उठाकर फ्रेडी धीरे धीरे तीनों बहनों की नजरों से बचते हुए उस सुनहरे सेब की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि फ्रेडी और जादूगर अभी भी महल में थे और वो एटलास की बेटियों को सुनहरा वृक्ष उगाने से रोकना चाहते थे। फ्रेडी उस सेब को उठा लेता है, पर इतने में एक बर्तन उससे गिर जाता है, जिसकी आवाज से तीनों बहनें सचेत हो जाती हैं। ये देख एस्पेरा उसे मानने ही वाली थी कि तभी वहाँ बिल्ली आ जाता है। बिल्ली के आने से तीनों बहनों का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर फ्रेडी छड़ी को टच कर लेता है, जिससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। और कैलिप्सो के उनके हमला करने से पहले ही वो दोनों अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर जादूगर समेत वहाँ से भाग जाते हैं। गोल्डन एप्पल चोरी हो गया था, जिस पर कैलिप्सो बहुत गुस्सा होती है और अपनी बड़ी बहन के ऑर्डर्स को मानने से मना कर देती है। गोल्डन एप्पल को वापस पाने के लिए वो लेडन ड्रैगन को गुफा से बाहर निकाल देती है। गुफा से बाहर आते ही वो ड्रैगन बिल्ली और उसके साथियों के पीछे पड़ जाता है। ड्रैगन से बच बचाते वो अपने घर में आ जाते हैं। बिल्ली को पता था कि वो ड्रैगन यहाँ भी आ सकता है, इसलिए वो अपने नॉन जेनेटिक्स माता पिता को बचाने के लिए रिवील कर देता है कि वही बिल्ली है। बिल्ली के साथ साथ बाकी सभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। ड्रैगन द्वारा घर के पूरी तरह से तबाह होने से पहले ही वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। कैलिप्सो ड्रैगन की मदद से उनका पीछा करती है। ड्रैगन से बचने के चक्कर में बिल्ली के दो फ्रेंड्स अपनी ताकत खो देते हैं और इसी भागा दौड़ी में फ्रेडी भी अपनी ताकत फिर से खो देता है। गोल्डन एप्पल फ्रेडी के पास था, जो वो बिल्ली की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन का ध्यान उनसे हटाने के लिए बिल्ली वो एप्पल मैरी की तरफ फेंक देता है। मैरी उस एप्पल को लेकर बड़ी तेजी से उड़ जाती है।
पर कैलिप्सो उसकी भी शक्तियाँ छीन लेती है और सेब को हत्या लेती है। मैरी की शक्तियाँ जाने की वजह से वो बुरी तरह से आसमान से गिरने लगती है, पर बिली किसी तरह उसे बचा लेता है। कैलिप्सो उस सेब को एक स्टेडियम के बीचों बीच गाड़ देती है, जिससे एक जादुई पेड़ का निर्माण होता है। उस पेड़ की जड़ों में से तरह तरह के दानव बाहर निकल आते हैं, जो पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। बिली और उसकी पूरी फैमिली एक ब्रिज के ऊपर से ये मंजर देख रहे थे, तभी एंथिया वहाँ आती है और इस तबाही को रोकने के लिए अपनी बड़ी बहन एस्पेरा से मदद मांगने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वो जाने से पहले फ्रेडी को किस करती है और अपनी फीलिंग्स उसे बताती है। बिली शज़ाम की शक्तियों को पाकर अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो जादूगर से इन शक्तियों को वापस लेने को कहता है। पर जादूगर बिली को यकीन दिलाता है कि ये शक्तियाँ जादूगर ने बिली को उसकी क्वालिटी देखकर नहीं दी थी, बल्कि उसके साफ दिल को देखकर दी थी। इस बार बिली खुद पर यकीन करता है और अकेले कैलिप्सो का सामना करने निकल जाता है। स्टेडियम की सामने वाली छत पर एंथिया कैलिप्सो को ये समझाने में लगी थी कि ये जो भी वो कर रही है वो गलत है। एस्पेरा भी इस तबाही के खिलाफ थी, इसलिए वो ये सब रोकने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसमें पीछे से अपना नुकीला पंजा मारकर उसे जख्मी कर देता है। एंथिया कैलिप्सो के रास्ते में अड़चन ना बने, इसलिए वो उसकी भी शक्तियाँ छीनने की कोशिश करती है। एंथिया खुद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन बदल देती है, पर वो फिर भी खुद को बचा नहीं पाती और अपनी शक्तियाँ खो देती है। वहीं दूसरी ओर इस शहर में मची तबाही को रोकने के लिए डाला जादुई पेन से पूछती है कि किस तरह इन्हें रोका जा सकता है। तब पेन और जादूगर की मदद से इन्हें पता चलता है कि यूनिकॉर्न नामक जादुई घोड़े इन्हें रोक सकते हैं। एंथी अपनी शक्ति खोने के बाद शहर में यहाँ वहाँ भटक रही थी, जिसे फ्रेडी देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर बिली कैलिप्सो और उसके ड्रैगन से लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान बिली को पता चलता है कि वो जादुई छड़ी एक बैटरी की तरह काम करती है और बिली के हाथों से निकली हुई बिजलियों को वो सोख लेती है। बिली की फैमिली भी यूनिकॉर्न्स का पता लगा लेती है, पर अपने सेल से बाहर निकलते ही वो यूनिकॉर्न उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डाला अपनी कैंडीज की मदद से उससे दोस्ती कर लेती है और अब यूनिकॉर्न्स की मदद से बिली की पूरी फैमिली शहर में घूम रहे राक्षसों का शिकार करने लगती है। बिली जख्मी एस्पेरा के पास मदद मांगने जाता है। वो एस्पेरा को बताता है कि अगर उसने छड़ी में ढेर सारी एनर्जी भर दी तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, जिसमें ड्रैगन और कैलिप्सो दोनों मर जाएंगे। एस्पेरा भी इस प्लान को ट्रिगर करने के लिए बिली का साथ देती है। एंथिया अभी भी शहर में भटक रही थी। रेडी उसे काफी आवाजें लगाता है, पर काफी भीड़ होने की वजह से वो उसे सुन नहीं पा रही थी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ लेडन ड्रैगन और कैलिप्सो आ जाती है। कैलिप्सो ड्रैगन को हुक्म देती है कि वो एंथिया को खत्म करे। लेडन ड्रैगन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एंथिया पर उसके डर को हावी करने लगता है। वो कमजोर पड़ी रही थी कि तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है। फ्रेडी और एंथिया दोनों बड़ी बहादुरी से ड्रैगन की शक्तियों का सामना करने लगते हैं। ड्रैगन धीरे धीरे आगे बढ़कर उन्हें खाने ही वाला था कि तभी वहाँ बिल्ली आ जाता है। इस बार बिल्ली अपनी चालाकी से कैलिप्सो से उस जादुई छड़ी को चुरा लेता है। कैलिप्सो जादुई छड़ी को वापस पाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। बिल्ली कैलिप्सो को उसी स्टेडियम में ले आता है जहाँ वो जादुई पेड़ लगा था, और बिल्ली के प्लान के मुताबिक एस्पेरा भी अपने कवच को सिकोड़ कर उस स्टेडियम के चारों ओर सीमित कर देती है। कैलिप्सो कवच से बाहर आने के लिए उस पर पूरी शक्ति से ड्रैगन की मदद से हमला करने लगती है, पर इसका कुछ फायदा नहीं था। इस सभी के दौरान बिल्ली की फैमिली उससे कवच के बाहर मिलने को आती है। फ्रेडी के काफी मना करने पर भी उन्हें ये कहता है कि ये काम केवल वही कर सकता है। बिल्ली अपनी फैमिली को लास्ट बार अलविदा कहता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो कैलिप्सो का सामना करने चला जाता है। कैलिप्सो के सामने आते ही वो कवच पर अपनी बिजली से हमला करने लगता है। इससे ये होता है कि गोले पे गलते ही वो बिजली रिफ्लेक्ट होती है और सीधे सजाम की छड़ी में आकर गलती है, जिस कारण वो छड़ी चार्ज होने लगती है। उस चार्ज हुई छड़ी को किसी तरह ड्रैगन की ड्रैगन ब्रेथ का सामना करते हुए कैलिप्सो तक पहुँचाने की कोशिश करता है, पर छड़ी अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई थी, इसलिए वो ड्रैगन की आग को पूरी तरह से नहीं काट पाता और छड़ी को गिरा देता है। बेयर हैंड होने के बावजूद भी बिल्ली काफी अच्छी तरह से ड्रैगन का सामना करता है। वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से छड़ी को वापस उठा लेता है। इस बार छड़ी में काफी बिजली इकट्ठा होती है और छड़ी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। चार्ज हुई छड़ी की मदद से बिल्ली फिर से ड्रैगन की ब्रेथ को काटने की कोशिश करता है। इस बार वो अपनी पूरी जान लगा देता है और ड्रैगन ब्रेथ को डॉच करते हुए वो उस छड़ी को कैलिप्सो समेत
ड्रैगन में मार देता है और जोर से चिल्लाते हुए सजाम कहता है, जिससे ढेर सारी बिजली उन पर गिरती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कवच के अंदर मौजूद सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। हेस्पेरा के कवच की वजह से बाहर किसी को कुछ नहीं होता। बिल्ली का प्लान पूरा होते ही हेस्पेरा भी कड़ों में बिखर जाती है। जादुई पेड़ नष्ट हो गया था जिस वजह से शहर में घूम रहे सभी राक्षस भी नष्ट हो जाते हैं। जब बिल्ली की फैमिली कवच हटने पर उसे देखने जाते हैं तो वो उसे मरी हालत में पाते हैं। दरअसल बिल्ली की डेथ नहीं होती अगर वो सजाम वर्ड नहीं बोलता तो, क्योंकि सजाम पुकारने से वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तब वो इस ब्लास्ट को शायद सर्वाइव कर जाता, पर कैलिप्सो का खात्मा करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। बिल्ली की ये हालत देख फ्रेडी बुरी तरह रोने लगता है और उसके साथ साथ बाकी भी रोने लगते हैं। आखिर में वो सभी हेस्पेरा के महल में बिल्ली का अंतिम संस्कार करते हैं। वो बिल्ली को श्रद्धांजलि दे ही रहे थे कि तभी जादूगर उनसे कहता है कि वो बिल्ली को अभी भी जिंदा कर सकता है, पर वो ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि छड़ी में बिल्कुल भी जादू नहीं बचा और छड़ी में वही शक्तियां डाल सकता है जिसमें अभी भी देवीय शक्तियां हो, जो कि अब किसी में भी नहीं थी। यहाँ तक कि एंथिया की भी शक्ति चली गई थी। कोई उम्मीद ना होने की वजह से वो सभी वहीं उदास खड़े हो जाते हैं कि तभी वहाँ वंडर वुमन आ जाती है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और वो जादूगर से छड़ी लेकर वापस से उसमें शक्तियाँ भर देती है। छड़ी के ठीक हो जाने की वजह से एंथिया की शक्तियाँ वापस आ जाती है और बिल्ली भी वापस पुनर्जीवित हो जाता है। बिल्ली के जिंदा होते ही वो सभी उसे गले लगा लेते हैं। एंथिया और जादूगर भी उन्हें देख बहुत खुश होते हैं। जब बिल्ली का ध्यान वंडर वुमन की तरफ जाता है तब वो हक्का बक्का रह जाता है और तुरंत उसके पास जाकर इनडायरेक्टली उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर डियाना उसे इस दुनिया को बचाने पर ज्यादा ध्यान दो ये कहकर चली जाती है। डियाना के जाने के बाद बिल्ली सभी की पावर्स उनको वापस लौटा देता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बिल्ली और उसकी फैमिली अपने टूटे हुए घर को ठीक करने में लगी है। एंथिया भी इस वर्ल्ड को बेहतर समझने के लिए यहीं रुक जाती है। तभी वहाँ जादूगर की एंट्री होती है जिसका लुक पूरी तरह से बदल गया था। जादूगर भी अपनी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, पर जाने से पहले वो सजाम के स्टाफ को वहाँ से ले लेता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि बिल्ली अपनी बचकानी हरकतें कर रहा है कि तभी वहाँ जस्टिस सोसाइटी के दो मेंबर उसे अपनी टीम में लेने आते हैं। बिल्ली उनके ऑफर के लिए हाँ कह देता है और खुशी मनाने लगता है कि फाइनली उसे वंडर वुमन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तभी वो लोग उसे बताते हैं कि जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग दोनों अलग हैं और वो जिस टीम में जा रहा है उसमें वंडर वुमन तो नहीं होगी। इसके बाद वो अपने फोन पर अलग अलग सुपर हीरोज की टीम को देखने लगता है जिसमें वो फाइनली अवेंजर्स का नाम लेता है और इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।